नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वीवीआईपी सीट। जी हाँ, वेस्ट यूपी की मोस्ट वीवीआईपी सीट से मेरा मतलब है वहाँ के रहने वाले भले ही वीवीआईपी ना हो, लेकिन वहाँ से लड़ने वाले वीवीआईपी हैं। ये सीट है बागपत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है बागपत, और बागपत को जाना जाता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से। चौधरी चरण सिंह जी का ये पैतृक इलाका है और वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। इसके बाद जब उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह राजनीति में आ गए 80 के दशक में, तो फिर उसके बाद चौधरी अजीत सिंह यहाँ से सांसद बनते रहे। और अब इस बार पहली बार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी यहाँ से अपना भविष्य आजमाने जा रहे हैं। यानी सत्ता, या कह सकते हैं कि राजनीतिक विरासत ट्रांसफर होने जा रही है, और इस लिहाज से बागपत की लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। इसके महत्व में एक महत्व और ये जुड़ जाता है कि इस बार जयंत चौधरी का मुकाबला इस सीट पर हो रहा है केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह के साथ। सतपाल सिंह जो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी रहे हैं और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके बीच में यहाँ मुकाबला हो रहा है। पिछली बार तो सतपाल सिंह यहाँ आए 2014 में, रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़े और चौधरी अजीत सिंह को हराकर यहाँ से सांसद बन गए। बिल्कुल सब चटपट हो गया, और अजीत सिंह की हार भी ऐसी हुई कि अजीत सिंह तीसरे स्थान पर खिसक गए। मतलब मुख्य मुकाबले में दूसरे दल के बसपा सपा और इन दलों के नेता चले गए, तो ये अजीत सिंह के लिए और भी बड़े डाउनफॉल की बात थी। बहरहाल, बागपत लोकसभा सीट के चुनाव के बारे में अगर मैं जिक्र करूं, तो ये भी बताना जरूरी होगा कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसने भी अजीत सिंह को काफ़ी डैमेज किया। अजीत सिंह की हार की प्रमुख वजह वो भी बनी। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम कॉम्बिनेशन होता था, खासतौर से जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, वो बिगड़ गया, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा मूल रूप से जाट और मुस्लिम द्वंद्व था एक तरह का, और उसी की वजह से अजीत सिंह को लॉस हुआ। अजीत सिंह को मुसलमानों ने वोट नहीं दिए। इस बार अजीत सिंह थोड़ा अलग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर चले गए हैं और बेटे जयंत चौधरी को यहाँ ले आए हैं। जयंत पिछली बार हेमा मालिनी से मथुरा में हार गए थे, 2009 में वहाँ से सांसद बने थे, 2014 में हार गए, इसलिए इस बार बागपत से लड़ रहे हैं और अच्छा खासा चुनाव यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से लगातार डिमांड मेरे पास आती रहती है कि मैं इस सीट के बारे में कुछ जानकारी दूं, कुछ अपना एक वीडियो मैं जारी करूं, तो इसलिए इस वीडियो को मैं आज इसलिए बना रहा हूं कि इसमें अब ये देते हैं स्थिति के जो प्रचार कैंपेन चल रहा है उसके दौरान यहां क्या स्थिति है। अब मैदान में यहां दो ही प्रत्याशी हैं, गठबंधन ने यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा है जयंत की वजह से। जयंत अकेले प्रत्याशी हैं, यानी कि सपा, बसपा और रालोद के बेस वोट उनके साथ है, तो ये सबसे सॉलिड बात है। इसके अलावा इन्हें और भी छूट दे दी है कांग्रेस ने भी यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो इस तरह से अब खुल्लम खुल्ला दो ही प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पे जंग हो रही है। तो इसमें यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए मेरे से लगातार लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं बागपत के कास्ट फैक्टर के बारे में बताऊँ। तो जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के हिसाब से बागपत में जाट वोटर 3.4 लाख, लगभग 3.5 लाख जाट वोटर हैं, मुस्लिम 3 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 1,31,000, त्यागी 64,000, गुर्जर लगभग 1.25 लाख, जाटव 1,09,000, कश्यप 96,000, वैश्य 94,000, राजपूत 70,000, वाल्मीकि 41,000, यादव 33,000, और इसके अलावा लगभग 1.25 लाख के बीच में कुछ छोटी मोटी बिरादरियां हैं जिनका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका सही असली आंकड़ा निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनमें उन बिरादरियों में जो है, मैं आपको बताऊं कि उन बिरादरियों में हैं जैसे कि नाई हैं और जोगी हैं, सुनार हैं, सिख हैं, कुम्हार हैं, इस तरह की कोरी हैं, इस तरह की जातियाँ हैं, यादव भी इस इलाके में हैं। तो ये इस यहाँ पे आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प हो जाता है।
कि इस बार यहाँ पर क्या रुख रहेगा। और जो वहाँ से मेरी बात हुई है बागपत के वोटर्स से, वहाँ के नेताओं से और वहाँ के राजनीति के पुराने जानकारों से, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जाट 70% और 30% में है, यानी कि 70% जयंत चौधरी के समर्थन में और 30% सतपाल के समर्थन में, दोनों ही जाट प्रत्याशी हैं। लेकिन जो खाटी जाट हैं, पुराने जाट हैं, उनका मानना है कि RLD ही उनकी पार्टी है और इसलिए वो जयंत चौधरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम खास तौर से एक तरफा मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को मिलने जा रहे हैं, ये उनकी बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अब देखने वाली बात होगी कि दलितों में से कितने वोट जयंत को मिलते हैं। जैसे कि दलित में जो जाटव हैं उनका तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो मायावती की वजह से चले जाएं अजीत सिंह के पास, लेकिन बाकी जो दलित वोट हैं उनमें बंटवारा हो सकता है। जो अदर छोटी छोटी कास्ट हैं, राजपूत वगैरह, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सतपाल को मिल सकते हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, ये मिल सकते हैं सतपाल सिंह को। तो अभी चुनाव वहाँ कांटे का है, वहाँ पर अभी अभी जो है दोघट इलाके में अमित शाह ने अपनी एक छोटी सी सभा की है जिसमें सतपाल को के लिए उन्होंने समर्थन मांगा है। बहरहाल यहाँ पर कोई बड़ी सभा अभी तक नहीं हो पाई है और आने वाले समय में हो सकता है कि गठबंधन प्रत्याशी होने के नाते मायावती, अखिलेश यादव वगैरह जयंत के प्रचार में आए, लेकिन भाजपा की तरफ से यहाँ पर अभी कोई बड़ा नाम सुनने में नहीं आया है। और मेरा मानना है कि अमित शाह से बेटर तो ये होता कि राजनाथ सिंह अगर सतपाल के लिए प्रचार करते तो ज़्यादा बेटर हो। अमित शाह के कहने से तो मुझे लगता नहीं बागपत में वोट सतपाल सिंह को मिल पाएंगे। बहरहाल चुनाव यहाँ का दिलचस्प है, कांटे का होने जा रहा है और मुझे लगता नहीं इसके बाद हमें और भी वीडियो इसके बारे में डालने होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम लाइव जाते हैं और जब हम लाइव जाते हैं तो हम लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। तो आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।